हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका अपनी टीपी क्लासेस पर। मेरे सब अग्रवाल, स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। तो कितने मेथड्स होते हैं एलसीएम फाइंड करने के, किस किस से हम कर सकते हैं मेथड एलसीएम फाइंड, ऐसे मेथड्स को देखते हैं। तो आइए, टोटल 6 मेथड्स से मैंने नेम लिखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, लिस्टिंग मल्टीपल्स, डिवीजन, लैडर मेथड, फार्मूला मेथड, सिक्स्थ वन। सिक्स कौन सा है भाई, गैस कर सकते हैं आप, बताइए कौन सा होगा सिक्स वाला। सिक्स मेथड कौन सा है एलसीएम फाइंड करने का, जल्दी से बताइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए, काफ़ी जल्दी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा डीपी स्टाइल मेथड, कौन सा मेथड, डीपी स्टाइल मेथड। इसके लिए एक लाइक तो कर दो भाई, चलिए अभी मत करिए, जब इसको बताएंगे तब करिएगा, क्लियर है। तो आइए देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन करके सभी मेथड्स को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बनी रहिएगा, जाइएगा मत, पूरी वीडियो देख के जाइएगा ये, क्लियर है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम नंबर्स ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़े से कम नंबर लेते हैं, जैसे 4 एंड 10, क्लियर। ये दो नंबर्स कम है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 10। सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो। तो क्या करते थे, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 से डिविजिबल 2 टाइम्स, देन 2 से 2 टाइम्स 1 टाइम, क्लियर। देन 10 के लिए 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। लीस्ट प्राइम फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं, ये याद रखना इसमें, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स। तो ये 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2, एंड 10 के क्या हो गए, 2 इंटू 5। और ये तो क्लियर ही होगा क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर लेना है और सभी के नंबर्स लेना है, जैसे कि 2 की पावर इसमें कितनी है, 2 है, 2 इंटू 2, और इसमें 5 है। तो मीन्स यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, क्लियर। यहाँ पर क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 2 की, ये 2 की पावर 2 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5 20। ये आ गया एलसीएम किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप क्लियर होगा आपको, पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, देन हाईएस्ट पावर लिए कॉमन, और फिर जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे उनको भी ले लेंगे, क्लियर। प्राइम फैक्टराइजेशन से हो गया ये फर्स्ट फाइंड मेथड टू फाइंड एलसीएम। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या था, लिस्टिंग मल्टीपल्स, ठीक है। लिस्टिंग मल्टीपल्स में क्या रहेगा, 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे, क्लियर। 4 के मल्टीपल्स दैट मीन्स 4 के टेबल, 4 8 12 16 20 24, ऐसे लिखेंगे। और 10 के भी लिख लेते हैं कुछ, 10 20 30 40। तो इसमें ऐसा सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर विच इज़ कॉमन इन बोथ 4 एंड 10, तो दैट इज़ 4 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 12 नहीं है, 16 20 10। तो 20 क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 20, ठीक है। बट अगर नंबर लेंदी होंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो सकता है, बट मैंने आपको बता दिया है कि लिस्टिंग मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं एलसीएम किसी भी नंबर्स का, क्लियर। दो मेथड्स हो गए, थर्ड हमारा क्या था, आई थिंक डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड तो ये किया ही होगा सभी ने, 4 10, लिस्ट प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करते हैं, 2 से 2, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, देन 2 से 1, 5, देन 5 से 1, 1। आई होप क्लियर है ये। तो एलसीएम क्या हो जाता है, सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 20, क्लियर। तो यहाँ से भी एलसीएम क्या है, 20। ये हो गया हमारा डिवीज़न मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, लिस्टिंग मल्टीपल्स, एंड दिस वन इज डिवीज़न मेथड। तीन मेथड्स हो गए, अब स्पेस हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर्थ मेथड हम यहाँ पर कर लेते हैं, दैट इज़ लैडर मेथड। लैडर मेथड और डिवीज़न मेथड मेनली सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज क्या होता है, 4 10, इसमें भी लिस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। और कब तक डिवाइड करना है, यहाँ पर हमने कब तक किया, जब तक 1 1 1 फॉर्म नहीं हो जाता है, उसमें कब तक करेंगे, जब तक प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नहीं आ जाता है, जैसे 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर्स है, तो उसके आगे नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओनली इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम
टू इंटू टू इंटू फाइव दैट इज़ 20। अगर इस मेथड को इससे कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा टाइम में हमें क्या मिल पाएगा, इसमें फ़ायदा मिल पाएगा, टाइम का कम यूज़ होगा, जबकि टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि सभी को वन 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 फॉर्म करना है, इसलिए। तो ये होगा लैडर मेथड, अच्छा मेथड है, सिंपल भी है, इसमें बस प्राइम फैक्टर्स तक ही हमें सॉल्व करना है, उसके आगे नहीं करना है। ये होगा फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड क्या होता है, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फोर इंटू टेन डिवाइड में उसका एचसीएफ, फोर एंड टेन ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे दैट इज़ टू। अब ये मत कहना आप एचसीएफ नहीं आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेते हैं। टू आगे एचसीएफ, टू से डिवाइड करेंगे, टू टाइम्स टू इंटू टेन ट्वेंटी, क्लियर। ये हो गया फॉर्मूले मेथड से जिसकी हेल्प से हमने एलसीएम फाइंड किया है। फाइव मेथड्स हो गए हैं, आई होप सभी क्लियर हो अभी आपको, क्योंकि अब किसकी बारी आ गई है, डीप स्टाइल मेथड की, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, ठीक है। तो ये मैं रफ कर दूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिविजन मेथड, सॉरी लिस्टिक मल्टीपल्स मेथड, डिविजन मेथड, लैडर मेथड, फॉर्मूला मेथड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, फिर चलते हैं हम अपने, इसको रहने दें, अदरवाइज फिर एक ही साथ ले लेना आप, ठीक है। सिक्स पे आता है हमारा डीप स्टाइल मेथड। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप सबसे बड़े नंबर को पिक करिए, फोर एंड टेन में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, टेन, और इसकी टेबल पढ़ते जाइए आप, जहाँ पर भी ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि हमारे सभी नंबर्स का मल्टीपल हो, तो हो जाएगा एलसीएम। जैसे टेन फोर से डिवाइड होता है, नहीं होता है, टेन इंटू टू ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। देखा, विद इन सेकेंड्स में आप फाइंड कर सकते हैं इस टाइप से एलसीएम किसी भी नंबर्स का, अगर मोर देन टू हो तो उसके लिए भी बता देंगे किस टाइप से होता है। बस ग्रेटर वैल्यू को पकड़िए, ग्रेटर नंबर को पकड़िए और उसका मल्टीपल्स काउंट करते जाइए, और ऐसा नंबर जो कि सभी का मल्टीपल हो तो वही हो जाएगा एलसीएम। आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।